सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग शुरू हो रहा है खेतों में, बहुत लोगों को पता है परवल क्या होता है और परवल का पेड़ कैसे होता है ये देखो, और कैसे इसको उगाया जाता है। पहले तो एक बेंच बनाया जाता है जिससे कि ये पूरा ऊपर ऊपर से बेहतर है, क्योंकि नीचे रखते ना तो इसमें ज़मीन के साथ रखते ही ये ना पूरा सड़ जाता है। और देखो कितने अच्छे अच्छे अभी अभी मासूम मासूम से, और इनको ना ये फूल ना इनको ना मेल के साथ फीमेल टच करवाना होता है सुबह आके, तब जाके एक एक परवल बनती है। तो अभी यहाँ पे मैं मिलने आया था एक भैया से, तो अभी आया था खेतों में। खेतों में ये देखो ये जूट है और इस पे ना सब वो कीड़े लग गए, तो इनके पत्ते जो हैं कुछ ऐसे खा चुके हैं कीड़े ने। और देखो कीड़ा बोलते बोलते दिख भी गया, ऐसे कीड़े खाते हैं पत्तों को, और इनको हटाना होता है इन पत्तों से, नहीं तो वो अंडे दे देते लाइक दिस। देखा ये जो अंडा है देखो, इस पर यह सफ़ेद सफ़ेद सा ये इसका अंडा है, और नहीं तो पूरा पार्ट के पार्ट, मतलब इसको जूट को एंगल में पार्ट बोलते हैं, पूरा खा जाते हैं। तो इसलिए इससे बचाने के लिए इनको आधा छाट दिया जाता है और स्प्रे किया जाता है ऊपर से। और फिर से आ चुकी है परवल वाली खेत, इधर भी परवल है मगर ये ना ख़त्म होने की कगार पे है, और ये वाला बिल्कुल नया वाला है। तो ये इसमें चमक कुछ ज़्यादा ही रहा है। रात को मैं मेरा बाइक जो था वो कहीं और पार्क किया था, मतलब किसी और के घर पे, क्योंकि मेरे घर पे जो है वो जगह नहीं है, क्योंकि सामने मैं आपको चल के दिखाता हूँ यहाँ सीमेंटेड कुछ बनाया है, वहाँ पे पानी रुकता था, पानी ना रुके इसलिए, तो इसलिए मैं बाइक किसी और के घर छोड़ के आया था। तो अब बाइक लेने जा रहा हूँ, मगर बाइक लेने मैं गया भी था, वहाँ जा कर पता चला कि उनका जो चाबी है वो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर भैया थे उनके घर पे था, तो उनसे भी चाबी लेने आया। फाइनली बाइक लेके आ चुका हूँ, और ये रहा जो नया बना हुआ है सीमेंटेड, सो इसकी वजह से कल रात को बाइक उनके घर पर एक छोड़ के आया था, तो अभी ये बन चुकी है। सो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और चाय भी आ चुकी है, और साथ में थोड़ा सा सो भी लिया, क्योंकि अभी भी जस्ट बारिश हुआ है, और बारिश होने के बाद देखो सब अच्छे आ गए फुटबॉल खेलने, मगर मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे को और भी काम है और मेरा एक चीज़ खो चुका है। एक्चुअली मेरा जो पैन कार्ड है वो नहीं मिल रहा है, अब पता नहीं कहाँ पे रखा हूँ, क्या क्या था लास्ट कब यूज़ किया था, एक मैंने ना बैंक का बुक खोला था सेविंग अकाउंट, उसके बाद से मैंने कभी इसको ढूंढा ही नहीं, और आज एकदम से मेरे मन में ऐसा आया इस पैन कार्ड का रखा था, तब जाके देखा कि एक्चुअली मैं पैन कार्ड नहीं मिल रहा है। सो शाम को गया था मैं बगुला, बगुला से आने के बाद मैंने बहुत कुछ तो खाया नहीं, मगर थोड़ा बहुत ही खाया था। उसके बाद अभी पड़ोसी ने देखे गया है चिकन, तो चिकन खाऊंगा और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। कल जो इसका था जो ये दिखाया था कल मैंने नॉर्मल लाइट में, मतलब एक फ़ोटो के ज़रिए, और अभी देख सकते हो इसमें मैंने अभी भी लाइट ऑफ कर दिया, और लाइट ऑफ करने के बाद कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और पूरा रूम ना ऐसे ये मतलब ब्लू कलर में होकर रहता है, और इससे पूरा एक एम्बिएंट आता है। आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा मगर ये जब रात को जलता है ना, और ये जस्ट 3 वाट का है तो रात भर भी जलता है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज नहीं करता इसमें, और इसका रोशनी बहुत ही तेज़ है। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि क्यों मैंने रात को जला के छोड़ दिया, मतलब कल या परसों दो दिन ऐसे लग रहा था कि क्यों मैंने जला के छोड़ दिया। तो आज तो ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि उसको ये ना सर की तरफ रखूँगा और उधर सो जाऊँगा, नहीं तो नीचे वाले पॉइंट पर लगाऊँगा जिससे मैं आँखों पर ना लगे। और फाइनली हमारा राउटर बन के आ चुका है, और बिल्कुल नया राउटर है, मगर ना इसका एक चीज़ देख पा रहा हूँ, यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे स्टिकर है इस जगह पे हीटिंग इशू है, मतलब हीट हो रहा है, और वैसे इसका सिग्नल बहुत ही अच्छा देता है, और सिर्फ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने टेस्ट भी कर लिया है, बहुत ही अच्छा सिग्नल आ रहा है। और टीपी लिंक का है तो आपको पता है इंटरनेशनल ब्रांड है, इसका तो एक अलग ही काम बनता है, तो उससे घर पे आऊँगा रेगुलर नेट चलेगी, वहाँ जाऊँगा वहाँ पर भी नेट चलता है। तो घर पे आया तो पड़ोसी चिकन देके गए, अब चिकन के साथ चावल भी है, चलिए मैं थोड़ा सा डिनर कर लेता हूँ उसके बाद मिलता हूँ।
हाथ धोना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और रात को ना ऑब्वियसली डिनर करने से पहले आप लोग भी बहुत ही अच्छे से इसको हाथ धोया करो, क्योंकि अगर हाथ बहुत ही गंदे तरीके से धोते हो ना और वही चीज़ आपके खाने में जाता है तो वो सब चीज़ बहुत ही आपके लिए हार्मफुल रहेगा। इसलिए जब भी खाना खाओ बहुत ही अच्छे से हाथ धो और हाथ धो के फिर खाना खाया करो। इससे क्या होता है कि कीटाणु नहीं रहते, और आप खाना भी खा रहे हो ना तो वो कभी कभी होता है फूड पॉइजनिंग हो जाता है। बहुत अच्छे खाना खा रहे हो उसके बाद भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, क्योंकि वो खाने में बहुत ही गंदगी लगा रहता है, मतलब आपके हाथ में ही गंदगी रह जाता है। तो इसलिए हाथ को बहुत ही अच्छे से धो के खाना खाना चाहिए। खाना तो खैर खा ही लूँगा, मगर मेरे को आज एक गिफ्ट मिला है, आई डोंट नो क्या है इसमें, तो मेरे को बोला कि घर जाके खोलने के लिए, तो अब देखते हैं क्या है इसमें। वैसे मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसमें क्या हो सकता है, अब देखते हैं कि क्या रहता है। ये खोलने के बाद ही मैं खाना खाऊंगा, क्योंकि जब से आया दिमाग में चल रहा है पता नहीं क्या ही गिफ्ट आया, क्या ही गिफ्ट आया। ओ पैकेजिंग तो देखो, अखबार से अखबार। वैसे आजकल के दिन में कोई अखबार पढ़ता है क्या? आई डोंट नो इसमें क्या है, मैं बहुत अजीब तरीके से खोल रहा हूँ। अरे कुछ तो दिखा। अरे इसके अंदर भी पैकेजिंग, इसके अंदर भी ओ वाओ। ओ जिसने गिफ्ट दिया है मैं नाम नहीं बता सकता, मगर सच्ची है, उसको पता है मैं बहुत ज़्यादा डॉग लवर हूँ, तो उसने मेरे लिए एक गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट दिया है कि सच्ची में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, मैं बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको भी अच्छा ही लग रहा होगा। सच्ची में बहुत ज़्यादा खूबसूरत, थैंक यू सो मच। सो जिसने भी दिया है उसका नाम मैं नहीं बता सकता, मगर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ओह आई लव्ड इट, सच्ची में आई लव्ड इट। सो आज के लिए ब्लॉग इतना ही रखते हैं, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले ब्लॉग में, और जिन्होंने भी ये गिफ्ट दिया मेरे लिए वो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, तो तेरे से मैं जब मिलूँगा तेरे को मैं मिलकर बताऊँगा, फिर मैं भी एक पार्टी दूंगा तेरे को। तो बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।